हेलो एवरीवन, सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ था। हो सकता है आपको ये क्वेश्चन आता हो सकता है नहीं आता हो। आज हम इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा का पूरा कंसेप्ट भी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं जो आया हुआ था। क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन लेयर 3 ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। मीन्स इनमें से बताना है, हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइस दिए ऑप्शन में, उनमें से बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है हमारी जो थर्ड नंबर की जो लेयर होती है OSI मॉडल पे उस पर काम करता है। सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। पहले बोलता है ऑप्शन हब, सेकंड बोलता है राउटर, एंड थर्ड वन बोलता है स्विच, एंड फोर्थ वन बोलता है रिपीटर। तो जितने भी नेटवर्किंग डिवाइस है वहाँ से पूरा का पूरा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है नंबर ऑफ नेटवर्किंग डिवाइस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिवाइस यूज इन नेटवर्किंग। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो कंसेप्ट को सबसे पहले हम अच्छे से समझेंगे। कंसेप्ट को समझने के बाद इस क्वेश्चन को भी लेंगे और उसके बेस MCQ भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है नेटवर्किंग डिवाइस। नेटवर्किंग डिवाइस जो यूज होते हैं इन नेटवर्किंग में, नेटवर्किंग को मेंटेन करने में जिन भी कंपोनेंट्स, जिन भी डिवाइस का हम यूज करते हैं, वो डिवाइस हमारे पास कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होता है हब। हब को हम नेटवर्किंग डिवाइस में यूज करते हैं। सेकंड वन हम यूज करते हैं रिपीटर, एंड स्विच थर्ड वन, एंड ब्रिज राउटर गेटवे एंड मॉडम। इन सभी डिवाइस, जितने भी डिवाइस नेटवर्किंग डिवाइस, इनको डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम ओरिएंटेड है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है हब। सबसे पहले नेटवर्किंग डिवाइस है हब। हब को क्या है, हम कंसंट्रेटर भी कहते हैं। हब क्या है हमारे पास, हब जिस भी नेटवर्किंग में हब को यूज करते हैं, हब को कहते हैं डंब डिवाइस। अब डंब डिवाइस क्या होता है, एंड ब्रॉडकास्ट मैसेज। अब डंब डिवाइस क्या होता है, डंब डिवाइस वो होता है जिसका कोई ब्रेन ना हो, मींस उतना इंटेलिजेंट ना हो जिस पर जिस हब का मींस मतलब जब भी हम डिवाइस हब को यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में, जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है नेटवर्किंग में, तब क्या होता है, जो भी डेटा ट्रांसमिट होता है उस पर हब का पूरा कंट्रोल नहीं होता है, जो भी डेटा ट्रांसमिट या कोई भी सिग्नल ट्रांसमिट करता है हब के थ्रू। क्योंकि हब डिवाइस इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसका कोई कंट्रोल नहीं होता है डेटा ट्रांसमिशन के ऊपर। कोई भी मान लो ये डायग्राम है, यहाँ से आप समझने में हेल्प होगी। यहाँ बीच में एक हब यूज हो रहा है। अब हब क्या कर रहा है, हब बीच में नेटवर्किंग में यूज हो रहा है। अब मान लो ये हमारा एक कंप्यूटर है, ये जो नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट है। हम ए डिवाइस जो ये यहाँ एक हमारे पास कंप्यूटर जो नेटवर्किंग में है, हम चाहते हैं मान लो ये हमारा है, क्या है, बी डिवाइस है, कंप्यूटर है जो भी नेटवर्किंग के साथ कनेक्ट है। हम चाहते हैं यहाँ से डेटा डायरेक्ट ट्रांसमिट हो जाए बी के लिए। हम डेटा ट्रांसमिट करते हैं ए डिवाइस से मान लो बी के लिए, बी नेटवर्किंग डिवाइस के लिए। तो उसमें उस केस में क्या होगा, जो डेटा होगा जितने भी और अनदर क्लाइंट कंप्यूटर जो भी नेटवर्किंग में कनेक्ट होंगे, तो डेटा उनके पास भी जाएगा। मींस हम भेजना तो चाहते हैं सिर्फ एक ही सिस्टम को, एक ही क्लाइंट को भेजना चाहते हैं हम डेटा, पर इस हब के केस में क्या होगा, डेटा सबके पास जाएगा। मींस ये इसी का मतलब है डंब डिवाइस। जो हब क्या है, डंब डिवाइस है, उसका कोई कंट्रोल नहीं होता जब भी डेटा ट्रांसमिट होता है, तो इसलिए इसे डंब डिवाइस कहते हैं। तो समझने के लिए ये है कि जो भी डेटा ट्रांसमिट करेगा कि हम चाहते हैं पर्टिकुलर नेटवर्क डिवाइस को भेजने के लिए, पर ओके उस केस में क्या हो रहा है, डेटा सबके पास जा रहा है, पर इस केस में क्या होगा, डेटा एक्सेप्ट वही करेगा जिसको हमने भेजा है, बाकी क्या है, डेटा को डिनाई करेंगे, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, पर डेटा सबके पास जाएगा। तो यहां से एक पता चल रहा है कि हब जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है नेटवर्किंग में, हब उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता है, हब का पूरा कंट्रोल नहीं है, इसलिए इसे डंब डिवाइस कहते हैं। एंड ब्रॉडकास्ट मैसेज, ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या होता है, जो भी हम डेटा सेंड करते हैं, जो भी रिसीव करते हैं इन नेटवर्किंग में, उसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट करना। मींस डेटा को सेंड करता है, ब्रॉडकास्ट करता है। तो इस केस में सभी को क्या है, डेटा ब्रॉडकास्ट करता है, सिंपल इतना ही है। तो ये अपने याद रखना है, हब एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसको क्या है, नेटवर्किंग को कनेक्ट करने के लिए हब का यूज करते हैं। ओके, सबसे पहले। और एक याद रखना है, हब को हम कंसंट्रेटर के नाम से भी जानते हैं, हब को हम कंसंट्रेटर भी कहते हैं। तो इतना ही है हब में समझने के लिए। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछा जा सकता है कि कौन सा है डिवाइस है जिसको हम डंब डिवाइस के नाम से जानते हैं, तो हब है, उसे डंब डिवाइस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट डिवाइस डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिपीटर। अब रिपीटर क्या होता है, नाम से पता चल रहा है रिपीटर, रिपीटर रीजनरेटेड सिग्नल, इसको एक्टिव हब के नाम से भी जानते हैं। एक्टिव हब क्यों, क्योंकि इसमें जो रिपीटर का जो यूज होगा नेटवर्किंग में, ये सिग्नल को रीजनरेट करेगा। समझने के लिए यहाँ देख लो, ये हमारे पास बीच में एक रिपीटर है, ये डायग्राम है, यहाँ बीच में एक रिपीटर का यूज कर रहे हैं। यहाँ से कोई भी सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहा है, मान लो सिग्नल आ रहा है,
अब सिग्नल की कैपेसिटी है मान लो 10 किलोमीटर कि वो सिग्नल ट्रांसमिट जो सिग्नल की कैपेसिटी है वो 10 किलोमीटर तक ही जाता है, उसके बाद वो सिग्नल की जो क्या है जो कैपेसिटी है जो उसकी स्ट्रेंथ है वो वीक पड़ जाती है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, सिग्नल को रीजनरेट करने के लिए उसकी स्ट्रेंथ को और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हम बीच में एक रिपीटर का यूज़ करते हैं। रिपीटर का यूज़ करने से क्या होगा, जो भी मान लो पहले इसकी जो कैपेसिटी थी डेटा की जो स्ट्रेंथ थी 10 किलोमीटर तक ही पहुंच पाता था, अब रिपीटर के यूज़ करने से क्या उसकी स्ट्रेंथ डबल हो जाएगी। मान लो पहले 10 थी, अब 10 किलोमीटर और आगे तक क्या है डेटा ट्रैवल जो सिग्नल है वो ट्रैवल कर सकता है। मीन्स पहले यहीं तक 10 किलोमीटर तक ही डेटा क्या है जो हमारा जो सिग्नल था वो अच्छा था, उसकी उसके बाद उसकी स्ट्रेंथ वीक पड़ जाती थी। अब रिपीटर को यूज़ करने से हमारे को ये बेनिफिट हुआ, अब उसको क्या है 20 किलोमीटर 10A फॉर एग्जांपल, अब वो 20 किलोमीटर तक क्या है वो सिग्नल ट्रैवल कर सकता है। तो रिपीटर का यूज़ कर इसलिए करते हैं हम किसी भी नेटवर्किंग में ताकि उसकी जो सिग्नल की जो स्ट्रेंथ है उसको एम्पलीफाई किया जा सके, उसको इम्प्रूवमेंट किया जा सके, तो इसलिए रिपीटर का यूज़ करते हैं। इसको एक्टिव हब के नाम से भी जानते हैं एंड रीजनरेट सिग्नल, तो आपने याद रखना है रीजनरेट सिग्नल उस केस में हम रिपीटर का यूज़ करते हैं नेटवर्किंग में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है हमारे पास स्विच। अब स्विच क्या है, अब पहले हमने डिस्कस किया हब, अब हब इतना मतलब इतना इंप्रूवमेंट नहीं था, उसका कोई भी कंट्रोल नहीं था डेटा के ऊपर, वो क्या सिंपल ब्रॉडकास्ट करता था। अब उसके बाद हमने स्विच यूज़ किया, कहीं ना कहीं उसमें क्या थी एक ड्रॉबैक थी हब में, हम उसमें क्या है डेटा को कंट्रोल नहीं कर पा सकते थे और उसमें वो फिल्टरिंग वगैरह डेटा को फिल्टरिंग एंड रूटिंग उसमें नहीं थी, तो हमने क्या मूव किया स्विच की तरफ। अब हम स्विच उसकी जगह क्या है स्विच आ गया, आज के टाइम में हम सबसे ज़्यादा जो नेटवर्किंग डिवाइस है वो स्विच का यूज़ करते हैं। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, हम स्विच का ही क्यों यूज़ करते हैं हब का क्यों यूज़ नहीं करते हैं, तो स्विच का इसलिए यूज़ करते हैं, एक तो एक इंटेलिजेंट हब है, मीन्स इसके यूज़ करने से हम क्या डेटा को एक डेटा को रेगुलेट कर पाना ईजी हो जाता है। जिस डिवाइस को हम डेटा भेजते हैं नेटवर्किंग में वही डिवाइस क्या है डेटा को एक्सेप्ट करता है, बाकी डिवाइस को डेटा नहीं जाता है। मान लो मैं चाहता हूं किसी एक डिवाइस को ही डेटा ट्रांसमिट हो तो उसी को ही जाएगा बाकी को नहीं जाएगा, मींस एक बेनिफिट है इसका स्विच का। एंड फिल्टरिंग का मतलब यही है कि फिल्टरिंग करके मानो मैं चाहता हूँ किसी एक पर्सन को ही डेटा जाए, बाकी नेटवर्किंग में मान लो नेटवर्किंग में पांच मेरे पास क्लाइंट है, मैं चाहता हूँ पांच में से दो को ही डेटा जाए तीन को ना जाए, और जिन दो को जाना चाहिए मैं उन्हीं को ही डेटा सेंड करूंगा तो उन्हीं के पास वो डेटा पहुंचेगा बाकी तीन को नहीं पहुंचेगा। क्यों, क्योंकि स्विच का यूज़ यही तो बेनिफिट है स्विच का, यही तो बेनिफिट रहा हमारे स्विच का यूज़ करने से, इसमें क्या है इरेगुलेट कर पाता था फिल्टरिंग कर पाता था डेटा की इन नेटवर्किंग डिवाइस में, तो इसे हम इंटेलिजेंट हब भी कहते हैं एंड फिल्टरिंग कर पाना इसी था। एंड फुल डुप्लेक्स मोड होता है, हम एक टाइम में दोनों साइड क्या है एक मान लो एक तरफ कोई सेंडर है एक तरफ रिसीवर है, तो एक टाइम में दोनों साइड क्या है डेटा का ट्रांसमिशन हो सके पॉसिबल हो सके, उसे फुल डुप्लेक्स मोड कहते हैं। तो स्विच ये सब जितना भी पॉसिबल हुआ ये स्विच की हेल्प से हुआ, स्विच के यूज करने से हुआ। सबसे पहले इसको डायग्राम के थ्रू समझेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम ओरिएंटेड, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा कि स्विच जो है वो पूछेगा कि स्विच को क्या किस नाम से जानते हैं इंटेलिजेंट, इसको इंटेलिजेंट हब के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम स्विच जो हमारा स्विच होगा वो राउटर के साथ कनेक्ट होगा। अब यहाँ मतलब आप देख लेना कि जो राउटर होता है वो डायरेक्ट हमारा कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होता है और हमें क्या है इंटरनेट वहाँ से मिल जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले जो इंटरनेट आएगा वो राउटर को आएगा, इंटरनेट जो कनेक्टिविटी भी राउटर के साथ होगी। अब स्विच की जो कनेक्टिविटी होगी वो राउटर के साथ होगी, जो भी हम स्विच नेटवर्किंग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उस स्विच की जो कनेक्टिविटी होगी वो राउटर के साथ होगी। राउटर क्या करेगा, राउटर वहाँ से क्या है राउटर उसे क्या है इंटरनेट प्रोवाइड करेगा स्विच को। अब स्विच की हेल्प से जितने भी कंप्यूटर हैं, मान लो हमारे पास एक कंप्यूटर यहाँ क्लाइंट कंप्यूटर लगा हुआ है, एक क्लाइंट कंप्यूटर यहाँ लगा हुआ है, जितने भी क्लाइंट कंप्यूटर हैं उनको रेगुलेट करता है स्विच। अब यही मतलब है, मान लो जिस भी हम क्लाइंट कंप्यूटर को हम डेटा भेजना चाहते हैं, जिस भी डिवाइस को हम डेटा नहीं भेजना चाहते हैं उन सबको रेगुलेट करने का काम करता है स्विच। तो स्विच का यही बेनिफिट है, इसने क्या किया हमारे काम को और भी आसान कर दिया। क्यों, क्योंकि इसमें फिल्टरिंग हो सकती थी एंड इंटेलिजेंट हब यूज हो सकता था एंड फुल डुप्लेक्स मोड। ये स्विच होता था ये यूनिकास्ट ब्रॉडकास्ट यूनिकास्ट एंड मल्टीकास्ट सब में काम करता है। ब्रॉडकास्ट होता है सबको डेटा जाता है एंड यूनिकास्ट में होता है इंडिविजुअल, हम जिस भी पर्सन को डेटा भेजना चाहे जिस भी इंसान के साथ डेटा का ट्रांसमिशन कर रहे हैं उसको यूनिकास्ट कहते हैं। एंड मल्टीकास्ट का मतलब होता है नंबर ऑफ, मान लो कोई नंबर ऑफ डिवाइस है नेटवर्किंग में, हम चाहते हैं उनमें से 10 क्लाइंट कंप्यूटर हमारे नेटवर्किंग के पास उनमें से 5 को ही क्या है डेटा ट्रांसमिट होए, तो मल्टीकास्ट क्या है मल्टी नंबर मल्टीपर्पस या मल्टी कर सकता था डेटा को, नंबर ऑफ मल्टी पीपल इन कनेक्टिविटी इन नेटवर्किंग उनको हम डेटा शेयर कर सकते थे। किसकी हेल्प से, स्विच की हेल्प से। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्विच काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास जो डिवाइस आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ब्रिज। अब ब्रिज क्या होता है,
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब पूछते हैं कि ब्रिज क्या होता है। देखो ब्रिज क्या होता है, सेम प्रोटोकॉल एंड सेम नेटवर्क के ऊपर काम करता है। मान लो कोई हमारे पास दो नेटवर्क है, उन दो नेटवर्क्स को जोड़ने का काम, उन दो नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। और ब्रिज को क्या कहते हैं, मैक एड्रेस भी कहते हैं। ब्रिज का एक मैक एड्रेस होता है हार्डवेयर एड्रेस, मींस जो कभी चेंज ना हो सके, मीडिया एक्सेस कंट्रोल मैक एड्रेस। अब इसको समझते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें होता क्या है, हमारे पास बीच में एक ब्रिज होता है जो कनेक्टिविटी करता है, जितने भी नेटवर्किंग होते हैं डिवाइस होते हैं उनकी आपस में कनेक्टिविटी करता है। हमारे पास मान लो एक नेटवर्क यहाँ है, एक हब यहाँ है और एक नेटवर्क यहाँ है। अब दो सेम नेटवर्क के बीच कनेक्टिविटी का काम कौन करता है, ब्रिज करता है। मान लो एक नेटवर्क का है हमारे पास यहाँ लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एक लोकल एरिया नेटवर्क यहाँ है। फॉर एग्जाम्पल हम मान लो कोई हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक बिल्डिंग में दो नेटवर्क काम कर रहे हैं, एक ग्राउंड फ्लोर में एक नेटवर्क नीचे है ग्राउंड फ्लोर में लोकल एरिया नेटवर्क, एक मान लो चौथी स्टोरी या चौथी मंजिल पे दूसरा नेटवर्क काम कर रहा है, उन दो नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी का काम कौन करेगा, ब्रिज करेगा। उस केस में हम एक ही बिल्डिंग में दो नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम किसकी हेल्प से करेंगे, ब्रिज की हेल्प से करेंगे। मींस क्यों, क्योंकि एक सेम नेटवर्क नीचे होगा लोकल एरिया नेटवर्क, दूसरा नेटवर्क कौन होगा, वो भी एक दूसरा नेटवर्क होगा लोकल एरिया नेटवर्क। उन दो नेटवर्क को, सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने का काम जो कौन करेगा, ब्रिज करेगा। उस केस में हम क्या है, ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो ब्रिज का क्या होता है, इजीली हम क्या है टू सेम नेटवर्क को कनेक्ट करने में हेल्प करता है, सिंपल। तो आपने याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा जा सकता है कि बताइए एग्जाम में पूछा सकता है कि दो सेम नेटवर्क या सेम प्रोटोकॉल को आपस में कनेक्टिविटी का काम नेटवर्किंग डिवाइस में या नेटवर्किंग में किस डिवाइस का यूज़ करते हैं, तो अपने ध्यान में रखना है हम उस केस में ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास राउटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राउटर क्या होता है, राउटर एक वैन नेटवर्क है, मींस वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर काम करता है। सेकंड इसमें क्या होता है, इसमें फिल्टरिंग भी कर सकते थे हम, एंड सेकंड एंड रूटिंग करता था। रूटिंग मींस राउटर की हेल्प से राउटर क्या करता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के थ्रू हमें क्या है डेटा ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। मींस कोई लॉन्ग डिस्टेंस को ना ट्रैवल करके ये शॉर्ट डिस्टेंस फाइंड करता था और इजिली शॉर्ट डिस्टेंस में ट्रैवल करके क्या है डेटा को ट्रांसमिट करता है इन नेटवर्किंग में। तो उस केस में हम क्या है राउटर का यूज़ करते हैं। इसको हम समझ लेते हैं डायग्राम के थ्रू। इसमें क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास मान लो एक काम करता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क एक वैन नेटवर्क। मान लो एक नेटवर्क हमारे पास यहाँ है, ये नेटवर्क हमारे पास मान लो हिमाचल पे है, एक दूसरा नेटवर्क मान लो दिल्ली में है, एक वाइड एरिया नेटवर्क जो कि दिल्ली में है, एक दिल्ली में है एक हिमाचल में है, दो नेटवर्क है, दो वाइड एरिया नेटवर्क है। इन दोनों को कनेक्टिविटी का काम कौन करेगा, राउटर करेगा। उस केस में हम बीच में क्या करेंगे, राउटर का यूज़ करेंगे। राउटर उन दोनों की कनेक्टिविटी करने में हमारी हेल्प करेगा। तो अब देखिए क्या होता है इसमें, अब राउटर किसके साथ कनेक्ट होगा, राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा। हमें इंटरनेट कौन प्रोवाइड करेगा, राउटर की हेल्प से हम इंटरनेट लेंगे। इंटरनेट आ रहा है, राउटर को इंटरनेट के साथ कनेक्टिविटी होगी। अब जैसे ही राउटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा, अब राउटर के साथ हमारा क्या है स्विच यूज होगा। ये बीच में जो भी डिवाइस लगे हैं स्विच लगे हैं, ओके ध्यान में रखना है। तो इस अपने आपने देख समझना है कि हमारा जो सिस्टम है, जितने भी हमारे कंप्यूटर है, वो डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होते हैं राउटर के साथ। हम किससे, हम जो भी हमारे कंप्यूटर है, क्लाइंट कंप्यूटर इन नेटवर्किंग में यूज़ कर रहे हैं, उनका कनेक्शन जो होगा, उनकी जो कनेक्टिविटी होगी वो स्विच के साथ होगी। स्विच की कनेक्टिविटी देन राउटर के साथ होगी, एंड राउटर की कनेक्टिविटी इंटरनेट के साथ होगी, तभी हम क्या नेटवर्किंग इसमें पॉसिबल कर पाते हैं। तो सिंपल ये याद रखना है आपने इसमें कि एक तो जो राउटर का है इसमें यूज़ ये है कि दो वाइड एरिया नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, राउटर कर रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राउटर की हेल्प से क्या है, मान लो राउटर क्या है एक ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, वाइड एरिया नेटवर्क है। जैसे कि एक नेटवर्क यहाँ है एक दिल्ली में है, उन दोनों को कनेक्टिविटी का काम किसकी हेल्प से करेंगे, राउटर की हेल्प से करेंगे। तो एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बताइए कि जो राउटर है वो कौन से नेटवर्क के ऊपर काम करता है, तो ये वाइड एरिया नेटवर्क के ऊपर काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और जो ये राउटर जो डिवाइस है ये स्टार टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है, अब सिंपल मैं बता यहाँ इतना बता देता हूँ कि स्टार टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है। फर्दर हम आगे जितनी भी नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें टोपोलॉजी को भी कवर करेंगे। तो इतना याद रख लीजिए अभी के लिए फिलहाल, जो राउटर है वो स्टार टोपोलॉजी के ऊपर काम करता है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट डिवाइस है, नेक्स्ट डिवाइस आता है हमारे पास गेटवे। अब गेटवे क्या होता है, सिंपल सबसे पहले गेटवे एक तो ये काम करता है जो हमारी क्या होता है जांच पड़ताल का काम करता है। अब होता है ना कि गेटवे, यहाँ से इतना याद रख लिया कि गेटवे क्या है, जो भी
डेटा हमारे सिस्टम में आ रहा है या डेटा हमारे सिस्टम से जा रहा है उसकी एक जांच पड़ताल करता है, मींस उसकी मॉनिटरिंग करता है। उस मॉनिटरिंग में हेल्प करता कौन करता है? गेटवे डिवाइस करता है। अब गेटवे क्या होता है? गेटवे डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर काम करता है। अब उस केस में तो राउटर था, सॉरी ब्रिज था, जो सेम नेटवर्क के ऊपर काम कर रहा था। अब गेटवे क्या है? डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल के ऊपर काम करता है, गेटवे डिवाइस करता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए सेम नेटवर्क के ऊपर कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं। तो सेम नेटवर्क के ऊपर हम ब्रिज नेटवर्किंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। एंड इस केस में क्या होगा, जब डिफरेंट नेटवर्क डिफरेंट प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे उस केस में क्या होगा, गेटवे का यूज होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनता है कि गेटवे का यूज हम किस केस में करेंगे। तो गेटवे का यूज करेंगे हम डिफरेंट प्रोटोकॉल एंड डिफरेंट नेटवर्क। ओके, जो गेटवे ये काम करता है कैसे करता है, फायरवॉल की तरह काम करता है। अब फायरवॉल क्या होता है, जब भी हम सिस्टम में जो भी हमारे सिस्टम में फायरवॉल होता है उसका यही काम होता है, मान लो कोई एक्स्ट्रा अटैक्स वगैरह ना हो जाए हमारे सिस्टम के ऊपर, मीन्स कोई डेटा थेप्ट ना हो जाए, कोई डेटा को चोरी ना कर ले, एंड देन कोई वायरस अटैक ना कर ले, कोई ऐसी कोई हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चोरी ना कर ले सिस्टम से, उस चीज़ से प्रिवेंट कौन करता है, फायरवॉल प्रिवेंट करता है। तो फायरवॉल प्रिवेंट करता है, तो ये जो जितना भी प्रिवेंशन का काम होता है, जो भी हमें एक्स्ट्रा जो एक्सटर्नल अटैक से बचाता है, कौन बचाता है, हमें गेटवे बचाता है। तो गेटवे का इसलिए यूज होता है नेटवर्किंग डिवाइस में। अब इसको सिंपल समझते हैं हम डायग्राम की हेल्प से, गेटवे क्या होता है। देखो तो कोई दो सर्वर है, मान लो एक सर्वर ए है एंड सेकंड दूसरा सर्वर बी है, उन दो सर्वर के बीच में कनेक्टिविटी का काम कौन करेगा, गेटवे करेगा। देखो अब गेटवे क्या होता है, सिंपल वही अभी हमने डिस्कस किया कि क्या जो भी डेटा आ रहा है या जा रहा है उसके बीच में वो डेटा कैसे आ रहा है, मान लो कोई भी हमारे कोई एक्सटर्नल अटैक्स ना हो जाए, कोई हैकिंग वगैरह ना कर ले हमारी डेटा की, उस चीज़ को प्रिवेंशन उस चीज़ से बचाने के लिए हम गेटवे का यूज़ करते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वैसे चलते हैं मॉडम। अब मॉडम क्या होता है, सबसे पहले तो एग्जाम में यही पूछते हैं कि मॉडम का पूरा नाम क्या है। मॉडम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। अब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर क्या होता है, अब एक तो पहले ये भाई इनपुट आउटपुट डिवाइस होता है, इनपुट भी करता है आउटपुट भी करता है। सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं कि है क्या मॉड्यूलेटर क्या है। मॉड्यूलेटर क्या करता है, जो डिजिटल सिग्नल होगा ना उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। मॉड्यूलेटर क्या करेगा, जो भी हमारे पास डिजिटल सिग्नल आएगा उसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। एंड इसके अपोजिट होता है डीमॉड्यूलेटर। अब डीमॉड्यूलेटर क्या करेगा, डीमॉड्यूलेटर करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। डीमॉड्यूलेटर क्या करता है, जो भी एनालॉग सिग्नल हो गए उसको क्या करेगा, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा। अब हमारे कंप्यूटर क्या है, हमारा कंप्यूटर डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है, ऐसा तो नहीं है कि वो एनालॉग सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। हमें पता है जो हमारा सिस्टम है, हमारा कंप्यूटर है, वो क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। अब केबल के थ्रू जो भी डेटा आएगा वो एनालॉग के फॉर्म में आएगा, उस एनालॉग के फॉर्म को कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए, डेटा तो हमें डिजिटल के फॉर्म में चाहिए। क्यों, क्योंकि हमारा सिस्टम क्या, डिजिटल सिग्नल को अंडरस्टैंड करता है। उस चीज में हम इस मॉडर्न डिवाइस का यूज करते हैं, जो क्या करता है, जो भी क्या करता है डीमॉड्यूलेटर, उस केस में क्या करें हम डीमॉड्यूलेटर का यूज करेंगे, जो क्या करेगा एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके हमारे सिस्टम को देगा। एंड हमारे सिस्टम से कोई सिग्नल वापस भी तो जाएगा, ट्रैवल भी तो करेगा दूसरे नेटवर्किंग डिवाइस में, उस केस में हम मॉड्यूलेटर का यूज करेगा, जो क्या करेगा हमारे सिस्टम से जो भी डिजिटल की फॉर्म में सिग्नल आएगा वो पहले क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्ट होगा, फिर एनालॉग की फॉर्म में केबल के थ्रू ट्रैवल करेगा। तो मॉड्यूलेशन का यही काम है, डेटा को क्या है कन्वर्ट करता है, किसमें, डिजिटल टू एनालॉग एंड एनालॉग टू डिजिटल। ये मॉडर्न डिवाइस का इसमें हम यूज़ करते हैं, और मॉडर्न डिवाइस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि राउटर क्या होता है एंड मॉडर्न क्या होता है। देखो राउटर का हमने डिस्कस कर लिया है कि दो डिफरेंट वाइड एरिया नेटवर्क है, उन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करता है, राउटर करता है। अब काफ़ी कंफ्यूजन होता है कि मॉडर्न क्या करता है, तो मॉडर्न का इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब क्यों करता है वो मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से पूछते हैं एग्जाम में क्वेश्चन क्या होता है, और ये कुछ इस तरह का मॉडम है जो हम नेटवर्किंग में यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, एक केबल यहां से लगी होती है जो एनालॉग सिग्नल को लेके आएगी, दूसरी तरफ हमारे जो कनेक्टिविटी होगी वो कंप्यूटर के साथ होगी। तो यहां से एनालॉग को कन्वर्ट करेगा मॉडम, किसमें कन्वर्ट करेगा, डिजिटल सिग्नल में, और हमारा जो कंप्यूटर है उसको डिजिटल सिग्नल मिल जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पूरे के पूरे जितने भी सात डिवाइस है हमने डिस्कस कर लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास है क्वेश्चन, जो प्रीवियस जो इस कंसेप्ट से आया हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं,
विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस ऑपरेट इन लेयर 3 इन OSI रेफरेंस मॉडल, मीन्स जो भी हमारे पास OSI रेफरेंस मॉडल होता है, जो तीसरी लेयर होती है, उस तीसरी लेयर में कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस हम इनमें से यूज़ करते हैं। अब तीसरी लेयर्स कौन होती है, सबसे पहले होती है हमारे पास फिजिकल लेयर, दूसरी होती है डेटा लिंक लेयर एंड तीसरी होती है नेटवर्क लेयर। तो सिंपल यहाँ से अंडरस्टैंड करना है कि तीसरी लेयर पूछा हुआ है, तीसरी लेयर कौन सी होती है, नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर में कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं, ऑप्शन देख लेते हैं जो भी एग्जामिनर में दी थी हमें। सबसे पहले था हब, सेकंड था रूट राउटर एंड थर्ड ऑप्शन थी हमारे पास स्विच एंड फोर्थ थी रिपीटर। तो नेटवर्क जो हमारे पास तीसरी लेयर है उसमें राउटर का यूज़ करते हैं, तो इसका जो सही आंसर होता बी राउटर डिवाइस। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी MCQ है एंड जो भी कंसेप्ट हमने आज डिस्कस किया है, इससे जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं पूरे पूरे चांसेस हैं 100% की एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस, वैसे ही वैसे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको जो भी है अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है एंड शेयर करना है एंड सब्सक्राइब करना है, ओके। एंड मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ पे जितने भी है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स एंड फुल ग्रामर इंग्लिश कोर्स फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम एंड प्लस JYT एग्जाम ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों तरह के कोर्स यहाँ अवेलेबल है। तो देखो, जो भी आपने आपका कोई भी डाउट रहता है रिगार्डिंग द कोर्स, आपको स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉन्टैक्ट करना है। आई होप कि जो भी हमने डिस्कस किया समझ आया होगा एंड थैंक यू।